हे एलवर्स गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे और आ गए हूँ एक और नई ईयर की वीडियो की एडिटिंग के साथ। इस वाली वीडियो में बताऊंगा कि आप न्यू ईयर वाले स्टेटस की वीडियो कैसे बना सकते हो, वो भी अलाइट मोशन में और अमेजिंग तरीके से और अमेजिंग स्टाइल में। सो सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला, वीडियो को एंड तक देखें। और हाँ, सबसे पहले मैं छोटा सा रिक्वेस्ट कि जो भी हमारे चैनल पर नहीं है, पहली बार आए, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दे। और हाँ, प्रीवियस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर, वरना डिसलाइक कर सकते हो। लाइक और डिसलाइक भी आप डिसाइड कर लेना प्रीव्यू देखने के बाद, और नीचे कमेंट करने का मन हो सो जरूर से करें। और सबसे पहले मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। सो प्रीव्यू कुछ इस हिसाब से देखने को मिलेगा। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चार बोतल वोडका, तो गाइस यार, इस टाइप की वीडियो बनाना तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। और इस वीडियो में जो भी मटेरियल्स मैंने यूज़ किया, उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, बस फोटोज़ हैं ना, वो सारे आपको टेलीग्राम चैनल पे पहले से दिए हुए हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लो और वहाँ पे मीडिया में मेरे चैनल में जाके, मीडिया में जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे आपको फोटो मिल जाएंगे। तो जो भी आपको चाहिए वो डाउनलोड कर सकते हो, एदन स्क्रॉल करके भी कर सकते हो। और ये वाला प्रीव्यू भी आपको वहाँ पे अपलोड हुआ मिलेगा, तो उससे डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हो। सो सबसे पहले आपको क्या करना, बीटमार्क प्रोजेक्ट और इफेक्ट प्रोजेक्ट को अपने लाइट मोशन में इंपोर्ट कर लेना। जिनका प्रीसेट लिंक में इंपोर्ट नहीं होता, वो क्या करें, एक्सएमएल का यूज़ करें, इंपोर्ट ज़रूर कर लें। सो करने के बाद आगे मैं बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। सो यहाँ से मैं अपने लाइट मोशन को ओपन करके बताता हूँ आगे क्या करना है। तो गाइस ये यहाँ से जो मैंने अपने लाइट मोशन को ओपन कर लिया, और लाइट मोशन को ओपन करने के बाद प्लस के राइट साइड में प्रोजेक्ट ऑप्शन है। सो प्रोजेक्ट के ऑप्शन में जाएंगे और पहला आपको जो बीट मार्क प्रोजेक्ट कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, जहाँ पे इस टाइप से सॉन्ग होगा, देन इस टाइप से बीट मार्क लगे होंगे। सो इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। देन आपको क्या करना गाइस, इन सब पे फोटो सबको इंपोर्ट करना। सो फोटो कैसे इंपोर्ट करोगे, आपको सबसे पहले इस वाले पॉइंट पे आना, देन प्लस पे टैप करना, देन मेजर वीडियो में जाना। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, टेलीग्राम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको टेलीग्राम को सिलेक्ट करना, जहाँ से भी आपने डाउनलोड करके रखा हो। सो इस टाइप से आपको इमेजेस वगैरह देखने को मिलेगा, इमेजेस को आपको सिलेक्ट करना। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो जो सा भी आपने डाउनलोड करके रखा हो वो आप सिलेक्ट करें। तो मेरे टेलीग्राम पे सारे अपलोड है, तो जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना, आपको इमेज को सिलेक्ट करना। सो प्लस पे टैप करें, देन थ्री डॉट ऑप्शन मिले, सो उस पर टैप करके और फील कंपोजिशन एरिया करें, देन एरो पे अगले बीट मार्क पे जाए, मतलब कि एरो पे टैप करोगे तो अगले बीट मार्क पे चले जाओगे। और एरो आपको प्ले के लेफ्ट और राइट में मिल जाएगा। सो राइट वाले एरो पे टैप करके अगले बीट मार्क पे जाना, इस वाले ऑप्शन पे टैप करके कट लगाएं, देन फिर से प्लस पे टैप करें, इमेज एंड वीडियो, देन अगले इमेज को सिलेक्ट करें और पे टैप करें, एंड देन फील कंपोजिशन एरिया का ऑप्शन, सो उस पर टैप करें, एरो पे टैप करें अगले बीट मार्क पे जाने के लिए, देन इस वाले ऑप्शन पे टैप करके कट लगाएं, देन फिर से प्लस पे टैप करें, इमेज एंड वीडियो, देन अगले इमेज को सिलेक्ट करते हैं। सो ये रहा अगला इमेज, देन थ्री पे टैप करके फील कंपोजिशन एरिया, देन एरो पे टैप करें अगले बीट मार्क पे जाके कट लगाएं, देन फिर से प्लस पे टैप करते हैं, और यहां से कोई सा भी इमेज को सिलेक्ट करें, देन थ्री पे टैप करके फील कंपोजिशन एरिया, देन एरो पे टैप करके कट लगाएं। सो इसी टाइप से आपको जितने सारे गाइस बीट मार्क है यहां पे, उन सब पे फोटोज को इंपोर्ट करना। सो एक एक करके आपको इंपोर्ट कर लेना। सो इंपोर्ट कैसे करना आपको पता लगेगा, प्लस पे टैप करें, इमेज एंड वीडियो में जाएं, और यहाँ से इमेज बहुत सारे मिल जाएगा, देन थिएटर पे टैप करके फील कंपोजिशन करें, देन एरो पे टैप करके कट लगाएं, देन फिर से प्लस पे टैप करें, इमेज एंड वीडियो, देन यहाँ से कोई से भी इसको सिलेक्ट करें, थिएटर पे टैप करके फील कंपोजिशन एरिया, देन एरो पे टैप करके कट लगाएं, देन फिर से प्लस पे टैप करते हैं, इमेज एंड वीडियो, देन यहाँ से इमेज को सिलेक्ट करते हैं, थिएटर पे टैप करके फील कंपोजिशन एरिया, देन इस टाइप से कट लगाएं, देन फिर से प्लस पे टैप करते हैं, और यहाँ से कोई सा भी इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी इमेज है, आप एक एक करके इंपोर्ट कर ले अपने बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट में, और सारे इंपोर्ट करने हैं, जितने सारे भी यहाँ पे लाइन है, मतलब कि बीट मार्क है, उन सब पे अलग अलग इमेजेस को इंपोर्ट करना। तो यहाँ से मैं बता देता हूँ कैसे इंपोर्ट करना, यहाँ से कोई सा भी इमेज को सिलेक्ट करें। सो कैसे सिलेक्ट करना, अपना प्लस पे टैप करें, इमेज एंड वीडियो में जाके ओजे में इसको सिलेक्ट करें, थिएटर पे टैप करके फील कंपोजिशन एरिया, देन एरो पे टैप करके कर लें। सो इतने जितने सारे भी आगे बीट मार्क है, उन सब पे मैं इमेजेस लगा के बताता हूँ आगे क्या करना है।
तो यहाँ पे जितने सारे भी बीट मार्क थे ना गाइस, उन सब पे मैं नए इमेजेस को इंपोर्ट कर दिया, देख सकते हो तो कुछ चीज़ें ऐसे देखने को मिल गया। सो अब आपको सबसे पहले क्या करना गाइस, आपको इस वाले पॉइंट पे आ जाना, सेकंड वाले बीट मार्क पे जहाँ पे आपको इमेजेस से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ से लेके एक टेम्पलेट को ऐड करना। सो सबसे पहले आपको प्लस पे टैप करना है टेम्पलेट ऐड करने के लिए, देन इमेज एंड वीडियो में जाना, और यहाँ से ये वाला टेम्पलेट होगा। सो कुछ हिसाब से ये टेम्पलेट होगा, इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा, जिसपे कि आपको इस टाइप से ग्रीन स्क्रीन में ना आपको काउंटिंग दिया जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना, तो इस वाला पॉइंट तक आ जाना, कुछ इस से देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से इस टाइप से होगा, तो यहाँ से थोड़ा सा फोन लैग मार रहा है। तो देन इस पॉइंट पे आए, और इस पॉइंट पे आने के बाद आपने इस पे टैप करना, इस वाले ऑप्शन पे टैप करके कट लगा देना। सो इस टाइप से होगा गाइस। सो सबसे पहले अगर इसको रिमूव करना ग्रीन स्क्रीन को, सो कैसे करोगे, आपने इस पे टैप करना, इफेक्ट के ऑप्शन में जाना, एड इफेक्ट पे टैप करोगे, और यहाँ पे आपको ह्यू शूट क्रोमा की मिल जाएगा, मतलब कि क्रोमा की मिल जाएगा, उसके आपने टैप करना। देन आपको क्या करना, की कलर का आपको सिलेक्ट हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कलर में जाके और यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। देन थ्रेशहोल्ड पे जाना, और इस टाइप से इसको आगे को करना, जैसे थ्रेशहोल्ड आगे करोगे ना वैसे ये जो ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो जाएगा। तो आपको देख लेना कितना करना है, थ्रेशहोल्ड को आपको इस टाइप से रिमूव करते जाना, और देन देख लेना आपको कितना करना है। सो इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना गाइस, आपको सबसे पहले इस वाले पॉइंट से बैक आना, देन आपको क्या करना गाइस, सबसे फर्स्ट वाले इमेज पे टैप करना। सो यहाँ से इमेज पे आए, और इमेज पे टैप करने के बाद आपको क्या करना है, 10 के बीच में एडजस्ट करना, ठीक है। सो ये सब पहले से एडजस्ट मैंने कर लिया फर्स्ट इमेज को, देन यहाँ से देख सकते हो सेकंड को एडजस्ट करना। तो इस टाइप से इसको जो नीचे को लाना, तो देख सकते हो कुछ इस टाइप से, तो यहाँ से इस टाइप से नीचे को लाएं, और देन ये वाला इमेज, सो ये डिलीट कर लेता हूँ, तो कुछ इस टाइप से आ गया। सो इसको एडजस्ट कर लिया। सो करने के बाद आपको 8 को करना, सो 8 को इस टाइप से इतने पे आए, देन आपको इस पे टैप करना है इमेज पे, और इस टाइप से इसको डाउन करना है, थोड़ा सा जो है जूम आउट या जूम आउट कर लेते, ठीक है, तो अच्छे से दिखे इमेज, बस इतना करना। तो देख सकते कुछ इस टाइप से ये 8 भी हो गया। अब देन 7 करना, तो 7 के एंडिंग में आए, तो देन आपको इमेज पे टैप करके पहले जूम आउट करना है, देन इस टाइप से इसको थोड़ा सा इतने पे कर लेना, ठीक है। तो देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। सो यहाँ पे 7 को भी कर लिया, देन 6 को करना, सो 6 पे आए, और देन इस टाइप से इमेज को जूम आउट कर लेना। देन जूम आउट करने के बाद इस टाइप से जूम आउट करें, देन इस टाइप से इसको सेंटर में ले आना। सो 6 भी कर लिया, आप 5 को करना, सो 5 के एंडिंग में आए, और इस टाइप से आए जूम आउट करें, सो यहाँ से जूम आउट कर लिया, देन आपको क्या करना, स्लाइड करके थोड़ा सा नीचे कर लेना। तो देख सकते हो कुछ इस टाइप से हो गया, 5 भी है, देन 4 पे, तो 4 के एंडिंग में आए, और इस टाइप से जूम आउट करें पहले। सो मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके जूम आउट कर देना राइट से, थर्ड ऑप्शन, और इस टाइप से जूम आउट करने के बाद इस टाइप से इसको जो नीचे को एडजस्ट कर लेना, सो कॉर्नर आपको देख लेना, ठीक है। तो इस टाइप से मेरा हो गया, तो देख सकते हो कुछ इस टाइप से हो गया। सो यहाँ पे हो गया, देन आपको करना इस वाले पॉइंट को करना, मतलब कि थर्ड, तो 3 के एंडिंग में आएंगे, और देन 3 के एंडिंग में आने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना राइट से, थर्ड ऑप्शन, और इस टाइप से इसको जो जूम आउट करें पहले, देन आप इसको सेंटर में फिट करेंगे। तो यहाँ से देख सकते हो सेंटर में फिट कर लिया कुछ इस टाइप से, देख सकते हो 3 भी हो गया, देन अब 2 को करना और 1 को करना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ से 2 के एंडिंग में आया, देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म राइट से, थर्ड ऑप्शन, इस स्टेप से जूम आउट करें, और जूम आउट करने के बाद गाइस आपको क्या करना, इस स्टेप से नीचे को स्लाइड कर लेना। सो जूम आउट कर लिया, यहाँ पे स्लाइड करके 2 को भी कर लिया, अब 1 को करना, सो 1 के भी एंडिंग में आए, उस स्टेप से जूम आउट करें, जूम आउट कर लिया, देख सकते हो कुछ इस स्टेप से। और फाइनली हमारा जो है ये काउंटिंग में जो है इमेजेस सेट हो गया, तो देख सकते हो 10, 9, 8, 7, 6, तो यहाँ पे हो गया। देन यहाँ पे एक हैप्पी न्यू ईयर आएगा, सो यहाँ पे ये हैप्पी न्यू ईयर पे सेट करना, सो इसको भी कर सकते हैं कुछ इस हिसाब से। सो इतना कर लें। सो देन आपको थ्रेशहोल्ड को थोड़ा सा और बढ़ाना, सो ग्रीन वाले थ्रेशहोल्ड पे चलते हैं, यहाँ से इफेक्ट के ऑप्शन में क्रोमा की में और थ्रेशहोल्ड पे जाके थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं। सो ग्रीन आ रहा था, तो इस टाइप से इंक्रीज़ कर लिया, तो देख सकते हो ये थोड़ा सा कम हो गया। तो जितना आपको करना कर लेना, देन आपको इस वाले पॉइंट में वापस से आना गाइज, और इस वाले पॉइंट पे आने के बाद यहाँ से हम इमेजेस लगाना स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आपको इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना, और इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट में जाना, और इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट में जाने के बाद कुछ इस टाइप से इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अपने थर्ड वाले इमेज पे टैप करना, इफेक्ट के ऑप्शन में जाना, 3 डॉट पे जाके कॉपी इफेक्ट करना, देन इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आएंगे, और अपने बीट मॉक वाले प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद जहाँ पे ये ओवरले वीडियो खत्म हो रहा उस वाले इमेज पे जाएंगे। सो ये वाला इमेज है, सो आपने इमेज पे टैप करना, इफेक्ट का ऑप्शन में जाना, 3 डॉट पे जाके पेस्ट। सो पेस्ट करने के बाद गाइस आपको क्या करना, यहां पे देख सकते हो जो ये इमेज ना, इस पे आप एक ओवरले वीडियो ऐड करेंगे। सो आपको सबसे पहले प्लस पे टैप करना, और यहाँ से इमेज एंड वीडियो में जाके, और यहाँ पे मैं ओवरले वीडियो बताता हूँ। सो यहाँ पे ऑल पे गया, और ऑल पे जाने के बाद कुछ इस टाइप से ये ओवरले वीडियो देखने को मिलेगा। सो ये रहा ओवरले वीडियो, इसको आपको थोड़ा सा पहले प्ले करके देखना है। तो ये रहा,
कुछ इस टाइप से यहाँ इतने पे प्ले हो रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना, आपने इस पे टैप करना, देन इस वाले ऑप्शन पे टैप करके कट लगाना, देन इस टाइप से पिछले वाले बीट मार्क है और इस वाले पॉइंट पे टैप करके पीछे आ जाना, देन आपको अगले बीट मार्क पे जाना, इस टाइप से कट लगा लेना है। देन थ्री डॉट पे टैप करके और यहाँ से फिल कॉम्पोजिशन ये करना, तो यहाँ से देख सकते हो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से मैं वॉल्यूम को कम कर लेता हूँ, तो ये कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। सो आपने इस पर टैप करना और यहाँ से ब्लेंडिंग एंड ऑपोजिटिव ऑप्शन में जाना और लाइटन पे जाके यहाँ से स्क्रीन कर लेना, तो देख सकते हो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा ये। तो फाइनली हो गया, देन आपको इस वाले पॉइंट से आपको नीचे मेंशन किया हुआ है, सो इस वाले पॉइंट से लेके और यहाँ तक आपको इफेक्ट फर्स्ट लगाना है। सो यहाँ से सबसे पहले इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आएंगे और इफेक्ट के ऑप्शन में जाएंगे, इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट में, और यहाँ से फर्स्ट इफेक्ट कुछ हिसाब से देखने को मिलेगा। सो इमेज पर टैप करेंगे, इफेक्ट का ऑप्शन थ्री डॉट पर जाकर कॉपी इफेक्ट कर लेंगे, देन इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आएंगे और अपने बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे और यहाँ से आपको आगे स्लाइड करके जाना और जाना जहाँ पर आपको फर्स्ट इमेज दिखा, मतलब कि फर्स्ट इफेक्ट जहाँ से पेस्ट करना वहाँ पर लिखा हुआ है, तो देख सकते हो यहाँ से आपको फर्स्ट इमेज पेस्ट करना, तो फर्स्ट इमेज वाला इफेक्ट, तो इमेज पे टैप कर इफेक्ट का ऑप्शन में थ्री डॉट पे जाके पेस्ट, देन फिर से इमेज पे टैप कर इफेक्ट का ऑप्शन में थ्री डॉट पे जाके पेस्ट। तो जहाँ तक आपको पेस्ट करना वहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे आपको नीचे ड्यूरेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ इस वाले ड्यूरेशन तक पेस्ट करना, सो इमेज पे टैप करना, देन इफेक्ट का ऑप्शन थ्री डॉट पे जाके पेस्ट, सो इमेज पे टैप करना, इफेक्ट का ऑप्शन थ्री डॉट पे जाके पेस्ट, सो इमेज पे टैप करें, इफेक्ट का ऑप्शन थ्री डॉट पे जाके पेस्ट, सो इमेज पे टैप करें, इफेक्ट का ऑप्शन थ्री डॉट पे जाके पेस्ट। तो यहाँ पे पहले से लग गया, तो देख सकते हो कुछ इस हिसाब से देखने को मिल रहा है कुछ इस हिसाब से, देन इस वाले पॉइंट से लेके और इस वाले पॉइंट तक आपको सेकंड वाला, देन फिर से फर्स्ट इमेज आया, ठीक है। सो इमेज पे टैप करें, इफेक्ट का ऑप्शन में थ्री डॉट जाके पेस्ट, सो इमेज पे टैप करें, सो इमेज पे टैप करें, इफेक्ट का ऑप्शन जो फर्स्ट इमेज जो पेस्ट कर लिया, देन आपको इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना, इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट में जाना हो, यहाँ पे सेकंड इमेज कुछ इस हिसाब से देखने को मिला, सो इमेज पे टैप करें, इफेक्ट का ऑप्शन में थ्री डॉट पे जाके कॉपी इफेक्ट कर लेना, और कॉपी पैक करने के बाद आपके को करना ये जो पॉइंट मिल रहा ना आपको आई का ऑप्शन, तो आपने इसके राइट साइड में टैप करके रखना और दोनों पे टैप कर लेना, मतलब दोनों को सिलेक्ट कर लेना, देन आपको दो डब्बे दिख रहे थे उस पर टैप करके कॉपी लेयर कर लेना, देन आपको इस वाला प्रोजेक्ट से बैक आना और अपने बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट में जाना, देन आपको क्या करना है जहाँ पर ये ओवरले वीडियो ख़त्म हो रहा है, मतलब कि ये जो कुछ ये वाला पॉइंट खत्म हो रहा, तो इस वाले पॉइंट पे आना, देन आपको क्या करना दो डब्बे दिख रहे थे उस पर टैप करके यहाँ से पेस्ट कर लेयर कर देना, तो लेयर पेस्ट करने के बाद आपको एंडिंग में आना, देन ये आई का ऑप्शन दिख रहा है गाइस, आपने इसके राइट में टैप करना और इस वाले ऑप्शन पे टैप करके इसको एंडिंग तक ले आना, तो उसके साथ आपको इस वाले पॉइंट को भी लाना, तो देख सकते हो ये जो आ गया। सो अब आपको क्या करना गाइस, अब आपको जो है सेकंड वाला इफेक्ट पेस्ट करना, ठीक है। तो आपने कॉपी पहले से कर लिया, तो सही यहाँ एंडिंग से स्टार्ट होंगे, तो यहाँ से देख लेना कौन से इमेज पे पेस्ट करना और नीचे मेंशन किया हुआ, तो इस वाले इमेज पे पेस्ट करना, इमेज पे टैप कर इफेक्ट का ऑप्शन थ्री डॉट पे जाकर पेस्ट, तो इमेज पे टैप कर इफेक्ट का ऑप्शन थ्री डॉट पे जाकर पेस्ट, तो देख सकते हो कुछ इस टाइप से इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो इमेज पे टैप कर इफेक्ट का ऑप्शन थ्री डॉट पे जाकर पेस्ट, तो इमेज पे टैप करें, तो इस वाले इमेज पे पेस्ट हुआ, तो ये सारे इमेज पे है पहले से लगा हुआ, तो इस वाले इमेज पे पेस्ट करें। सो गाइस यहाँ पे नीचे दिया हुआ कौन कौन से इमेजेस पे पेस्ट करना, सो सब पे आपको नहीं पेस्ट करना, जहाँ पे मेंशन किया हुआ वही वाला इफेक्ट लगाना, तो यहाँ बाद में मैं इफेक्ट लगा लूँगा, और यहाँ पे एक ओवरले वीडियो ऐड करना था, सो अगर आपका मन करता तो ऐड करें वरना रहने दे भी सकते हो, तो यहाँ पर क्या करता हूँ इस वाले पॉइंट पर आना, देन प्लस पे टैप करना इमेज एंड वीडियो, और यहाँ से आपको एक ओवरले वीडियो बताता हूँ, सो ये वाला ओवरले वीडियो है, देन आपको नहीं थ्री डॉट पे टैप करना, सो यहाँ पे ये ओवरले वीडियो पे टैप करने के बाद, सो यहाँ से थोड़ा सा लोड ले रहा तब इतना टाइम लगा, सो इमेज पे मतलब कि वीडियो पे टैप करना, थ्री डॉट पे टैप करके और यहाँ से फील सो कंपोजिशन एरिया मिल रहा है उस पर टैप करें, तो इस टाइप से आपको देखने को मिले, और स्लाइड करके यहाँ पे राइट को कर लेना, तो यहाँ से कुछ इस टाइप से करें, और यहाँ पे आपको एंडिंग वाले बीट मार्क पे जाना, इस वाले ऑप्शन पे टैप करके कट लगा लेना, देन ब्लेंडिंग और ऑपोजिटिव ऑप्शन में जाना, लाइटन पे जाकर यहाँ से स्क्रीन कर लेना, और इसके ऑपोजिटिव को आप अपने हिसाब से देख ले, सो यहाँ से कुछ इस टाइप से ओवरले वीडियो को ऐड कर लेना, देन आपको इफेक्ट को पेस्ट कर लेना, सो यहाँ पे मैं इफेक्ट वगैरह पेस्ट करूँगा, देन सेटिंग क्या एक्सपोर्ट की सेटिंग क्या होगा, आपको सेटिंग पे टैप करना, देन आपको फ्रेम रेट मिल रहा है उसको आप उन्हें 60 कर लेना, और 60 करने के बाद सेटिंग के राइट साइड माइकन में उस पर टैप करना, वीडियो पे टैप करके एक्सपोर्ट पे टैप करो, तो एक्सपोर्टिंग पे लग जाएगा, और जिनका एक्सपोर्ट नहीं हो रहा भाई वो कह रहे कि आपको वीडियो के आगे एरो दिख रहा है उस पर टैप करें, और क्वालिटी वगैरह जितना लो करना चाहते हो लो कर ले, देन एक्सपोर्ट पे टैप करोगे तो एक्सपोर्टिंग पे लग जाएगा। सो गाइस यार कैसे लगे आज की वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, सो मैं मिलता हूं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब चले बाय बाय।